IAEA अवार्ड्स में नजर आए प्रियंका, शालीन, शिव ठाकरे। आप भी देखिए ये वीडियो। अभी माहौल अंदर में जब तक जाऊंगा नहीं तब तक माहौल पता चलेगा नहीं। अंदर जाता हूँ, थोड़ा महसूस करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ज्यादा बेटर है। बात करें कल अनाउंसमेंट हुआ कद्रोल खिलाड़ी को लेकर, जब से अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से कैसा कुछ रिएक्शन आ रहा है और क्या कुछ रिस्पांस है आपके फैंस साइड से फैमिली के साइड? फैमिली को तो पता था पहले ही, बट जिनको पता नहीं था वो बहुत मतलब प्यार से जो सजेशन देते वो दे रहे कि सांप रह गए, ये रह गए, डरना मत, ये मत करना। पर वो जब बोलते हैं तो मैं इमेजिन करता हूँ, मुझे और ज़्यादा डर लगता है। बट ठीक है, वो प्यार होता है और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है मेरे साथ, मैं बोलता हूँ हमेशा। तो होपफुली जो होगा अच्छा ही होगा, अभी देख लेते हैं। तो लॉन्च में जितने भी कंटेस्टेंट्स आप मिले, क्या लगता है किसके साथ खेलना सबसे ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है? सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो 13 कंटेस्टेंट भी मस्त मसाले वाले और बहुत प्यारे और फिट है, बट सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे लगता है वो शिव ठाकरे है ना, बिग बॉस वाला, उसके साथ ज़्यादा। सर थोड़ा जाऊ द्या आत मध्ये, मला खेळू द्या पहिले, नंतर एक्स फॅक्टर देखो मैं झगड़ा नहीं करता, बताओ तो अभी पहले ये एक दुकान से दुख दूसरा हाँ क्या करें सो आई ट्राई टू ऑलवेज बी डिफरेंट दीति इज माई स्टाइलिस्ट शी गिव्स मी वन ऑफ द बेस्ट क्लोथ्स एंड आई लाइक इट और मुझे ऐसे क्लोथ्स पसंद हैं जो थोड़े से यूनिक हो और
कैजुअल हूँ, सो वेयर आई एम कम्फर्टेबल, तो ऐसे कपड़े पहनता हूँ मैं। मुझे पता नहीं यार, अगर उनको लगेगा कि मैं कुछ अच्छा किया है मैंने, तो कुछ अवार्ड मिलेंगे मुझे शायद, बट आई एम लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल इवनिंग, आई एम रियली होपिंग टू हैव सम नाइस टाइम, वो ज़रूरी है और अपनों से मिलना ज़रूरी है, तो अपनों से मिलने वाला हूँ, आई एम हैप्पी अबाउट इट। हाय अच्छा, क्या बात, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं सारे खतरों के खिलाड़ी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा, मे द बेस्ट पर्सन विन। एंड सभी मेरे दोस्त हैं यार, जब हम बिग बॉस के घर के बाहर आप जब हैं तो सभी मेरे दोस्त हैं, सो जो मेरे साथ में बिग बॉस में नहीं भी थे वो भी मेरे दोस्त हैं, एंड आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बाकी पूरे पता नहीं है यार, तो मैं गलत होगा मेरा ऐसा बोलना, जब मुझे पूरी लिस्ट पता चल जाएगी कौन कौन है, कौन कौन है, नहीं बट अदरवाइज कौन कौन है। अरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो 15 साल से दोस्त हैं। अच्छा, क्या बात है, तो नहीं यार ये बहुत मेरे लिए बायस्ड होगा बोलना कि मैं किसको चाहूँगा कि जीते, मैं तो हूँ नहीं तो मैं ही जीतता। नहीं, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे द बेस्ट वन विन। थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है, बड़ा नॉटी बॉय। हाँ जी, खास है बट एनी वेज या इट्स सो मच फन एक्चुअली। मैं जब भी अवार्ड शोज में आती हूँ सो आई रियली गेट लाइक एक्साइटेड एंड या बात करें कभी अभी खतरों के खिलाड़ी 13 का लॉन्च हुआ है, जहाँ पे शिव ठाकरे और अर्चना गौतम वो दो कंटेस्टेंट होने वाले हैं जिनसे आप पहले से ही बात करें बिग बॉस की वजह से, किससे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, कितना एक्साइटमेंट रहेगा? मेरा सपोर्ट डेफिनेटली देखो अर्चना को थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि दोनों में चाहती हूँ गुड लक टू बोथ ऑफ देम और अच्छा करके आएं खतरों में, जिस तरह से उन्होंने बिग बॉस में नाम रोशन किया है एक दूसरे का, उसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि खतरों में भी वो वैसे ही आएं, सो गुड लक टू देम। जल्दी सॉन्ग का पार्ट 2 नहीं है, फिर नया सॉन्ग ही करेंगे।
थैंक यू। फिल्मों की तैयारी शुरू हो रही है तो सब कुछ नहीं बता सकती बट यस सब कुछ अच्छा चल रहा है बस अच्छा चल रहा है अच्छा ये आपको कैसे पता लगा नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी यहाँ पर